हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरकुला में। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाईवुड एंड देयर ग्रेड। सो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, एंड अगेन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप घर में फर्नीचर का काम कराना चाहते हैं। आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। सो आज के टाइम पे अगर हम बात करेंगे कितने तरह के प्लाईवुड मार्केट में अवेलेबल हैं, सो वो है 19 टू 20 टाइप्स ऑफ प्लाईवुड। लेकिन उनमें से 4 टू 5 प्लाईवुड जो है वो यूज होते हैं रेजिडेंशियल प्लेसेस पे, इवन कॉमर्शियल प्लेसेस पे। एंड आप इन्हीं 4 to 5 टाइप्स ऑफ प्लाईवुड पे जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन बजट। सो चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो जो कॉमन 5 टाइप्स ऑफ प्लाईवुड है वो है, पहला है MR प्लाईवुड, दूसरा है BWR प्लाईवुड, तीसरा है BWP प्लाईवुड, चौथा है फ्लेक्सिबल प्लाईवुड, पांचवा है फायर रेजिस्टेंस FR प्लाईवुड। ऑलराइट, सो ये टोटल 5 तरह के प्लाईवुड्स हैं जो कि रेजिडेंशियल प्लेसेस में यूज होते हैं। इनमें से जो टॉप 4 है वो ज़्यादातर यूज होता है। सुनाओ, चलिए पहले प्लाईवुड की बात करते हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरह का MR प्लाईवुड दिखता है। MR स्टैंड्स फॉर मॉइस्चर रेजिस्टेंस, ठीक है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस प्लाईवुड इसको बोला जाता है। एंड इसका जो ग्रेड है वो होता है 303। जब भी आप मार्केट में प्लाईवुड परचेस करने जाएं तो ब्रांड, टाइप एंड ग्रेड, इन 3 चीज़ों को आप ज़रूर देखिएगा। ऑलराइट, सो ग्रेड को आप जरूर देखिए कि ये कौन से ग्रेड का प्लाईवुड है। जो MR प्लाईवुड है ये वन ऑफ द चीपेस्ट प्लाईवुड है अमंग ऑल द 5 टाइप्स ऑफ प्लाईवुड। सो 5 प्लाईवुड में से ये सबसे सस्ता प्लाईवुड है। दूसरी चीज़, इसका एक डिसएडवांटेज है कि इस प्लाईवुड को आप ऐसी जगह मत यूज़ करिएगा जहाँ पे मॉइस्चर का इशू हो, ठीक है, या कॉन्टेक्ट हो। जहाँ पे भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वहाँ पे इस प्लाईवुड को मत यूज़ करिएगा, अदरवाइज इसमें जो है टर्माइट्स वगैरह लग जाएंगे एंड ये फूल जाएगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, सो इसको आप ऐसी जगह यूज़ करिए जहाँ पे मॉइस्चर का कोई भी कांटेक्ट ना हो, लाइक टीवी यूनिट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप MR प्लाईवुड को यूज़ कर सकते हैं। इवन वार्डरोब में भी आप MR प्लाईवुड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो MR प्लाईवुड को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे पानी का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रेजेंस नहीं है। एंड अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग इसकी आपको 30 to 35 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस प्राइस वेरी करेगा एंड ऑल्सो ब्रांड। अगर आप प्लाईवुड के बारे में जानना चाहते हैं कि प्लाईवुड होता क्या है, किस साइजेस में आते हैं, क्या थिकनेस है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसका स्ट्रक्चर और कौन कौन से ब्रांड्स हैं, सो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है। सुनाओ, चलिए अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्लाईवुड। सो जो सेकेंड टाइप ऑफ प्लाईवुड है वो है BWR, एंड BWR प्लाईवुड स्टैंड फॉर बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस। सो ये बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस प्लाईवुड होता है। जब आप इसको परचेस करने जाएंगे तो वहाँ पे टाइप में लिखा होगा BWR, आप इमेज में भी देख सकते हैं। एंड इसका जो ग्रेड होता है, इसका ग्रेड भी 303 ही होता है, लाइक MR प्लाई। बट MR प्लाई क्या होता है, वो वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता है। ये जो होता है वाटर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन 100% ये भी वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता है। ऑलराइट, ये ऑलमोस्ट आपका 70 to 80% आपको ये सेफ रखेगा मॉइस्चर से। एंड जहाँ पे मॉइस्चर का कॉन्टैक्ट है, ठीक है, आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको आप किचन कैबिनेट्स में यूज़ कर सकते हैं, टीवी यूनिट में यूज़ कर सकते हैं, वार्डरोब में यूज़ कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्लाईवुड होता है। नाउ डिफरेंस क्या है, देखिए ग्रेड तो सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है MR प्लाई और BWR प्लाई में। सो मेन जो डिफरेंस होता है इसके बनाने के प्रोसेस में होता है। एंड इसमें जो केमिकल यूज होता है, ठीक है, फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड, उसका जो कंसंट्रेशन होता है ना MR में कम होता है एंड BWR में ज़्यादा होता है, इसीलिए जो वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है इसकी ये बढ़ जाती है। नाउ जो थर्ड टाइप ऑफ प्लाईवुड है वो है BWP प्लाईवुड। BWP स्टैंड फॉर बॉइलिंग वाटर प्रूफ। सो आप इसे समझ सकते हैं कि ये 100% आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट मॉइस्चर, ठीक है। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्लाईवुड है,
इसका जो ग्रेड होता है वो होता है 710। आप इमेज में देख सकते हैं, अगर आप इसी ग्रेड पे फोकस करेंगे तो ये 710 होता है इसका ग्रेड। एंड इसका जो टाइप होता है वो होता है BWP, बॉइलिंग वाटर प्रूफ। आप इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे मॉइस्चर का कांटेक्ट है। सो अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ का टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे मॉइस्चर कंटिन्यूसली प्रेजेंट होता है। सो वहाँ पे आप इस प्लाईवुड को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जितने भी फर्नीचर्स होंगे वो लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे एंड उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो ये हो गया 710 ग्रेड। सो इस प्लाईवुड की खास बात क्या है कि इसको फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड से ही बनाया जाता है, लेकिन इसको बनाने के बाद जो पूरी प्लाई होती है ना, उसको कंप्लीट इस केमिकल में डिप कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये पूरा इनर आउटर से जो होता है ये कवर्ड हो जाता है उस केमिकल से। सो जो वाटर पेनिट्रेशन होता है वो ना के बराबर हो जाता है। सो इसीलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है। सो अगर हम ब्रांड वाइज बात करें इसकी प्राइस की, सो इसकी प्राइसिंग जो है स्टार्ट होती है 170-180 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अगर आप ब्रांडेड में जाते हैं, नॉन ब्रांडेड जाएंगे तो वो 100-90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपको मिल जाएगी। इसको आप ऐसी जगह नहीं यूज़ करिएगा जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट ना हो, लाइक टीवी यूनिट, वार्डरोब, इन सब में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका जो बजट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि टीवी यूनिट एक ऐसी जगह है जहाँ पे मॉइस्चर का कोई भी इशू नहीं होता है। सो आप इसको ऐसी जगह यूज़ करिएगा जहाँ पे मॉइस्चर का इशू हो, लाइक किचन हो गया, किचन कैबिनेट्स में आप इसको ज़रूर यूज़ करिए, मैं रिकमेंड करूँगा। नाउ चलिए चौथे प्लाई की बात करते हैं, जो कि है फ्लेक्सिबल प्लाईवुड। जो फ्लेक्सिबल प्लाईवुड होता है वो जो होता है वो बेंड हो जाता है ईजिली, ठीक है। ये अभी जो तीन तरह के हमने बात की, 3 types ऑफ प्लाईवुड, ये बेंड नहीं हो पाते हैं। इनको बेंड करने के लिए इसमें कट्स लगाने पड़ते हैं एंड कट लगाने के बाद जो है ये बेंड होता है, लेकिन इसमें क्रैकिंग आ जाती है बेंड करते वक्त, इवन ये टूट भी जाते हैं। लेकिन अगर हम फ्लेक्सिबल प्लाई की बात करें तो ये बहुत ही आसानी से बेंड हो जाता है, ऑलराइट। एंड इसको ऐसे फर्नीचर्स में यूज़ किया जाता है जिसमें कर्व्ड शेप ज़्यादा रहते हैं, जैसे आप ये इमेज में देख सकते हैं। सो ये थी फ्लेक्सिबल प्लाईवुड। नाउ चलिए बात करते हैं लास्ट एंड फिफ्थ प्लाईवुड की, जो है फायर रेजिस्टेंस प्लाईवुड, जिसको हम बोलते हैं FR प्लाईवुड। इसको ऐसी जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पे फायर का खतरा रहता है, ठीक है, आग लगने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पे इस प्लाईवुड को यूज़ किया जाता है। जनरली इसको रेजिडेंशियल प्लेसेस में बहुत ही कम यूज़ किया जाता है एंड इसको कॉमर्शियल प्लेस पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, लाइक सिनेमा हॉल में इसका यूज़ होता है। एंड ये फायर, मान लीजिए अगर फायर लग गया, ऑलराइट, सो फायर को ये रोकता है, इसमें आग नहीं लगता है, तो इससे क्या होता है, आग बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो ये हो गया फायर रेजिस्टेंस। ये स्पेशल टाइप ऑफ प्लाईवुड है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड इसको रेजिडेंशियल प्लेस में रिकमेंड नहीं किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि कौन से टाइप ऑफ प्लाईवुड को प्रेफर करना चाहिए बेस्ड ऑन यूसेज एंड बजट। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। इफ़ यस, देन गिव थम्स अप एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए एंड कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।